हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल कॉन्वर्जेशन. आज हमारे साथ इंडिया इंक की एक बहुत बड़ी वॉइस जिनके साथ हम काफी बार बात करते हैं, बट आज एक स्पेशल मौके पर हम उनसे बात कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर जो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदि गोदरेज साहब की जो कि चेयरमैन है गोदरेज ग्रुप के. मिस्टर गोदरेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला. इकोनॉमी का जैसे मैंने बोला, इस वक्त जो प्रॉब्लम है पिछले एक साल से ये कंटिन्यू होते हुए वर्सन हो गई है. हम पिछले साल यही वक्त पर देखा था जब इकॉनमी स्लोडाउन होना शुरू हुई थी, उम्मीद की जा रही थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी. वेल, वैसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. और इस वक्त एज वी स्पीक आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज. ऑन द लेटेस्ट नंबर ऑफ Q1 GDP अगर मैं बोलूँ तो 5% विच इज़ 25 quarter low. ये बहुत ही अलार्मिंग फिगर्स है. कैसे आप इसको रीड करते हैं, क्या है, व्हाट इज योर होप अमिडस्ट ऑल दिस ग्लूम एंड डूम? इकोनॉमी में जरूर डिफिकल्टी है. दो कारण हैं. एक तो हमारे देश के कारण है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा. लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है. मेनली जो चाइना और US का ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है उससे ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ा है. ओके. ब्रेक्सिट के कारण भी यूरोपियन इकोनॉमी पे असर पड़ा है. और मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ इम्प्रूव नहीं होगी तो इंडिया की हालत इम्प्रूवमेंट में देखने नहीं आएगा. ओके. और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक स्टिम्यूलस देना चाहिए अपने गवर्नमेंट को. ये टैक्सेस बढ़ाने का बहुत गलत डिसीशन लिया था बजट में. और एक डिसीशन जो था वो जो टैक्स बढ़ाया हायर इनकम पेयर्स पे, वो उसका इफेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ा. गवर्नमेंट को पता भी नहीं था कि इसका इफेक्ट है. बिल्कुल. अब, और उनको विड्रॉ भी करना पड़ा. अब तो विड्रॉ करने का निश्चय किया है, लेकिन उससे काफ़ी नुकसान हुआ है. और मैं समझता हूँ कि टैक्सेस रिव्यू करने चाहिए. जो जेटली साहब ने अनाउंस किया था कि मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स 25% रहेगा, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया. वो बोलते हैं 98-99% कंपनियों पे इम्प्लीमेंट किया, पर 99% कॉर्पोरेट इनकम पे नहीं हुआ. तो वो जल्द से जल्द करना चाहिए. और जनरली नया जो कमीशन बनाया था इनकम टैक्स पे रिकमेंडेशन देने के लिए, वो बहुत अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं. फुली पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है. वो मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, इम्प्लीमेंट. आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ टू लेट एंड टू लिटिल जैसी तकलीफ दिख रही है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये बात काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री गवर्नमेंट से बोल रही है एज अ इंडस्ट्री वॉइस, बट समवेयर जब गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं अभी तक वो काफ़ी बाद में आए, जब तक डैमेज हो चुका है. तो आपका अब क्या कहना है, इमीडिएटली अगर वो चीज़ नहीं लेती है तो हाउ वर्सन कैन दिस सिचुएशन गेट? इससे काफ़ी वर्सन तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन जल्द से जल्द इम्प्रूव होना चाहिए, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी में आएगी इंडियन इकोनॉमी. और जल्द से जल्द गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए. ये गलत वहम है गवर्नमेंट में कि ऊंचे टैक्स रेट से रेवेन्यू बढ़ता है. ये कहीं भी नहीं होता है, लागू होता है. ऊंचे टैक्स रेट से इकोनॉमी पे बहुत नुकसान होता है और टैक्स कलेक्शन कम होता है. एग्जैक्टली. तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये मानना है कि वो टैक्स बढ़ाएं तो वो रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, क्योंकि उनको अपना रेवेन्यू टारगेट भी पूरा करना है. गलत है. जो भी कंट्रीज में लो टैक्सेशन रेट्स रहते हैं वहाँ कलेक्शंस अच्छे होते हैं, कंट्री का हालत, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है.
इंडिया में भी हमें एक्सपीरियंस है, जब हमारा टैक्स रेट बहुत ऊंचे थे 90% इनकम टैक्स वगैरह, तब हमारे कलेक्शंस बहुत कम रहते थे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत कम रहता था। और सो सर जीएसटी काउंसिल बराबर मिलती रहती है, अब बात हो रही है एक ऑटो स्टिमुलस पैकेज की या रियल एस्टेट स्टिमुलस पैकेज की, क्या आपको ऐसा लगता है सेक्टोरल इनको ऐसे स्टिमुलस पैकेजेस देने चाहिए या ओवरऑल एक इंडस्ट्री के पॉइंट देखना चाहिए? दोनों जी, ओवरऑल भी स्टेप्स लेने चाहिए और स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी देखना चाहिए। ऑटो में तो बहुत दिक्कत आ गई है, बहुत डिफिकल्टी आई है, 20% कम सेल्स हो रहे हैं, बहुत नए नए रेगुलेशन लाए थे जिससे नुकसान हुए हैं, और मुझे लगता है कि ज़रूर ऑटो सेक्टर में कुछ जल्द से जल्द करना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर में भी करना चाहिए। अब केवल अफोर्डेबल हाउसिंग पे ध्यान दे के नहीं चल सकता है, उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उस पर ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, लेकिन सब रियल एस्टेट सेक्टर पे काफ़ी ध्यान। बट आपकी क्या मांग होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टिमुलस पैकेज की बात कर रही है फॉर रियल एस्टेट सेक्टर, बिकॉज आप बड़े रूप में इस सेक्टर में हैं, क्या स्पेसिफिक स्टेप्स 1-2-3 लेने चाहिए? पहले तो परमिशन जल्द से जल्द आने चाहिए, बहुत डिले होते हैं इंडिया में परमिशन आने में, और सेकेंडली टैक्सेशन देखना चाहिए, टैक्सेशन जहाँ भी ज़्यादा होता है वहाँ मुश्किलें आती है, कम टैक्सेशन जनरली गवर्नमेंट को रिव्यू करने पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता उससे रेवेन्यूज कम होगी, रेवेन्यू बढ़ेगी। ये एक जो परसेप्शन है वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं समझिए। बट आपकी सर कोई मीटिंग हुई है, बिकॉज नॉनस्टॉप गवर्नमेंट मिल रही है, एटलीस्ट बोलते हैं कि हम सबका व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं। हमारी सीआईआई की काउंसिल मीटिंग हुई थी दिल्ली में जी, लगभग 10-12 दिन पहले जी, वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर आए थे तो हमने बताया, उन्होंने सुना, उसके बाद अच्छे अनाउंसमेंट्स भी आए हैं, लेकिन और भी अनाउंसमेंट आने थे और मुश्किलियाँ और भी बढ़ गई है तब से। एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये ग्रोथ रेट केवल 5% का आया, वो सरप्राइज था सबके लिए, सब उम्मीद तो कम की कर रहे थे, बट इतने कम हो जाएगी नहीं किसको लगा था। तो कहीं ना कहीं हम सही ट्रैक पर इस वक्त नहीं है, और हमें सही ट्रैक पर आना ज़रूरी है और बहुत जल्द आना है। आपने बोला ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एक फैक्टर है इंडिया के लिए, बट आई थिंक सर डोमेस्टिक डिमांड का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, एंड इट इज़ गेटिंग वर्सन। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉब्लम अभी शुरू ही हुई है, ये और ख़राब हो सकती है। आप इस बात को, आपने बोला आप नहीं मानते, क्यों? हमें अगर लगता है, हम उम्मीद ही कर रहे हैं शायद गवर्नमेंट कुछ करेगी, अगर नहीं किया तो? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि और भी खराब हो जाए, लेकिन बहुत करके नहीं, और ये इतना खराब है कि अब सोल्यूशन जल्द जल्द लाने चाहिए, और जो सोल्यूशन लाएंगे तो इम्प्रूवमेंट तो जरूर होगा, कितना इम्प्रूवमेंट देखना है। नीड ऑफ द आवर ऑफ कोर्स। लिक्विडिटी को लेकर एक बात जो पिछले साल से चली थी, अब गवर्नमेंट का ये कहना है, आरबीआई का कहना है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉर्पोरेट्स का कहना इससे अलग है, दे स्टिल फील देयर इज अ प्रॉब्लम एंड अ क्रंच इन लिक्विडिटी। आपका क्या व्यू है सर, आप भी मानते हैं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम? कॉर्पोरेट्स को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन काफी एसएमईज और काफी छोटी कंपनियों को मुश्किलें होती है, और क्या हुआ है, बैंक ने इतना खोया है बैड लोन्स में कि अब बहुत केयरफुल है लेंड करने में, वो डिफिकल्टी आ रही है, तो जरूर वो एक प्रॉब्लम है। श्योर, अब आपके ग्रुप को ऑफ कोर्स ऐसी कोई कंसर्न नहीं है, आपने पहले भी बोला था, एंड एज यू सेड गुड कॉर्पोरेट्स डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। बट सर, अगर मैं आपसे पूछूं पिछले साल से इस साल तक जो हमने सफर देखा और आगे, अब क्योंकि इतना बहुत पॉजिटिव एकदम नहीं दिख रहा है, तो क्या आपने कुछ एक्सपेंशन होल्ड पे किए हैं, क्या आप स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रख रहे हैं फॉर द ग्रुप? नहीं, हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स चालू रखे हैं, और स्पेशली हमारा रियल एस्टेट बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं,
और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो दूसरे बिल्डर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, हमने टेक ओवर भी किया है और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जनरली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उससे कम है। ओके, वो डेफिनेट एक दिक्कत है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं रूरल कंजम्पशन की, यहाँ आपने ऑटोमोबाइल्स की बात की जो बहुत प्रॉब्लम है, और उसी तरह से एफएमसीजी में भी वही एक दिक्कत देखने को मिल रही है। बीइंग अ वेरी प्रीडोमिनेंट एफएमसीजी प्लेयर, आप कैसे इस प्रॉब्लम को इस वक्त देख रहे हैं, और वाकई आपको लगता है डिमांड में बहुत ज़्यादा हिट आया है रूरल में अर्बन में? डिमांड पर हिट आया है ज़रूर, खास करके रूरल में। पहले जो अच्छा ग्रोथ होता था वो ज़्यादातर रूरल में होता था, अब रूरल ग्रोथ रेट कम हो गया है, डिमांड जनरली कम हुआ है, तो एफएमसीजी में कोई गवर्नमेंट पॉलिसी पे आधार नहीं है, ये जनरल सेंटिमेंट, इकोनॉमिक्स स्टेट खराब है इसलिए। सो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं, कितना और इसमें पेन बाकी है? पेन तो जब ग्रोथ रेट वापस अच्छी तरह बढ़ सके तब तक तो पेन रहेगा ही। तो अब आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर? आउटलुक जो गवर्नमेंट स्टेप्स जो जल्द से जल्द ले और इट हिंजेस ऑन दैट, तो इट हिंजेस ऑन दैट एंड हम देखेंगे। सर एक कमेंट आया था गवर्नमेंट की तरफ से, सीए सुब्रमण्यन ने बोला था कि प्राइवेट सेक्टर must not rely on the government sops to clamor out of loss. आपका क्या रिएक्शन है इस पर? नहीं, लॉस की बात नहीं है, ग्रोथ की बात है, इकोनॉमी की बात है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेने चाहिए, जो मुश्किल नहीं है लेने में और लेने से काफ़ी फायदा होगा देश की इकोनॉमी को और गवर्नमेंट की रेवेन्यूज को भी, जैसे मैंने कहा था। बिल्कुल, वही एक जो उनको एक मन में है कि रेवेन्यू कम हो जाएंगे इसलिए टैक्स बढ़ाएं। कम टैक्स रेट से रेवेन्यू कम नहीं होगी, इकोनॉमी अच्छी तरह बढ़ेगी, रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। देखो जैसे कि कोई सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जीएसटी काउंसिल में ऑटो सेक्टर पे जीएसटी कम करें, 28-18% करें, हाँ। तो 6 महीने के लिए 9 महीने के लिए तो कंजम्पशन बढ़ेगा और जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। समझ गए, करेक्ट। वॉल्यूम से आप वॉल्यूम से मेकअप करो जी रेट्स की डिफिकल्टी जी, में जी। सो उस स्टेप्स गवर्नमेंट ने लेने चाहिए, इस तरह इनकम टैक्स में भी, कॉर्पोरेट टैक्स में भी, सब में चेंजेस लाना चाहिए। टैक्सेशन फ्रंट पे बहुत जरूरत है कमी करने की टू रिवाइव डिमांड। और मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब बजट में टैक्सेशन रेट बढ़ाने की बात करी इंस्टेड ऑफ प्रपोजल्स करें जी। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट था कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, सबने यही बात बोली, बट उम्मीद की जा रही थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेप्स ये गवर्नमेंट एटलीस्ट प्रो ग्रोथ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी हाल में वापस अनाउंसमेंट किया है 1,00,000 crore इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको एक्साइट नहीं करती हैं? नहीं, जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना चाहिए, जरूर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, लेकिन रेट्स ऑफ टैक्सेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इस वक्त आरबीआई का जो स्टांस रहा है, उन्होंने अपने तरफ से 35 बेसिस पॉइंट अभी लास्ट पॉलिसी में कट किए, उसके बाद बावजूद हमने कोई रिवाइवल नहीं देखा। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट्स किए उसके बाद में भी कोई ऐसा इमीडिएट रिवाइवल नहीं हुआ कि भाई लोग डिमांड वापस आ गई, तो अब उम्मीद की जा रही है कुछ हो। आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है और रेट कट की यहाँ पे? और रेट कट तो होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि और भी रेट कट हो गए और बैंक्स को पास ऑन करने चाहिए। ट्रांसमिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बैंक्स पास ऑन नहीं कर रहे हैं और जो करेंगे तो फायदा होगा।
आई थिंक वहाँ एक दिक्कत और है, बैंक्स की एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि एनपीएस, बट आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ भी हम नहीं देख पा रहे हैं. बिल्कुल सर, तो अब अगर हम आपके एग्जैक्ट ऑल वर्टिकल्स और बिजनेसेस की बात करें तो आप कहाँ ज़्यादा बुलिश हैं? जब भी हम बात करते हैं तो आप, रियल एस्टेट एक आपके लिए ऑब्वियसली टॉप ऑफ द चार्ट्स है, बट इसके बियॉन्ड कौन से बिजनेस पे आप बेट ज़्यादा करेंगे? हमारा एफएमसीजी बिजनेस भी अच्छी तरह चल, ग्रोथ रेट कम हो गया है जी, लेकिन अच्छी तरह चल रहा है, मार्जिन अच्छे हैं, और एग्रोवेट बिजनेस में बहुत फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन स्लोडाउन रूरल स्लोडाउन के कारण वहाँ पे थोड़ा असर पड़ा है. तो कई बिजनेसेस अच्छी तरह चल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट ठीक तरह स्टिम्यूलस कर दे तो और भी अच्छा चल सकता है इकोनॉमी, हमारी कंपनियों भी और भी अच्छा चल सकता है. सर, जॉब्स बहुत ज़्यादा लॉसेस की बात हुई है, ऑटो सेक्टर में बहुत जॉब्स लूज हुई है, और उसके अलावा भी जनरल इंडस्ट्री में, और ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होते हुए दिख रही है. कैसे एड्रेस करना चाहिए इसको फिलहाल? इकोनॉमी अच्छी तरह चले तो ही जॉब्स बढ़ सकते हैं. आपको लगता है ये और भी वसन होगा? हो सकता है. और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सर इसमें इम्पैक्ट आएगा? मैं समझता हूँ ये ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, जो ऐसा किसी को लगे गवर्नमेंट में कहीं कि नहीं 3 महीने में सुधर जाएगा सब, तो भी करेक्टिव एक्शन लो. समझ गए कि अच्छी तरह ग्रोथ हो सके, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हो. सो जो नए स्टिम्यूलस के एक्शन हम बात कर रहे थे वो जरूर लेना चाहिए, और फिर स्टडी कर सकते हैं किस तरह उसको कंटिन्यू करें. एक बार इम्प्रूवमेंट हुआ तब तक हम समझ सकेंगे पूरा के दुनिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, चाइना यूएस का क्या हाल है, ब्रेक्सिट का क्या हाल है, सब देखना पड़ेगा. क्योंकि अभी तो हम अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, उसके बाद इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी कपल्ड हैं. तो गोदरेज, क्योंकि आप एक बड़े ग्लोबल कंपनी भी हैं, तो आपके बिजनेस पर ग्लोबल इम्पैक्ट कितना पड़ा है? अफ्रीका में हमारा काफ़ी बिजनेस है, वहाँ इकोनॉमी अच्छी तरह नहीं चल रही है. अर्जेंटीना में बहुत मुश्किलें हैं, हमारे अर्जेंटीना का बिजनेस भी, तो काफ़ी ग्लोबल इकोनॉमी भी पड़ी, जैसे इंडिया पे पड़ी है ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी. सो इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक में सर कैसा प्ले है इस वक्त, और ग्रोथ रेट्स क्या उम्मीद करेंगे आप इस साल? अराउंड द सेम हो रहा है, जितना स्लो डाउन इंडिया में हुआ है उतना स्लो डाउन इंटरनेशनल भी हो रहा है. ओके, सो इट्स इन दैट सेंस द सेम, दोनों ही मैचेस दोनों तरफ तकलीफ है. अभी इमीडिएटली आप कैसे अपने टीम्स में मैसेज देते हैं, व्हाट शुड दे डू इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स? आई एम श्योर ऐसे बार बार फेजेस आते हैं, क्या करना चाहिए आपके वर्टिकल हेड्स को, बिजनेस हेड्स को? हमारे मैसेज ये है कि ग्रोथ ओरिएंटेशन होना चाहिए और डिजार्टन नहीं होना चाहिए, और हम कह रहे हैं कि हम भी दिल्ली के साथ बात करके स्टिम्यूलाई की पुश कर रहे हैं, वो एक होप जारी है. नए बिजनेसेस सर इस वक्त हमेशा एक डिफिकल्ट टाइम्स में एक और अपॉर्चुनिटी भी देखी जाती है, पेसिमिज्म तो एक तरफ बट अपॉर्चुनिटी ये होती है कुछ नए बिजनेसेस में एंट्री करने की. क्या आपको लगता है गोदरेज ग्रुप के पास अभी बैग में इस टाइम नए बिजनेस में एंटर करने का मौका नहीं है, क्योंकि जो करें तो पहले नए बिजनेस, कुछ भी नए बिजनेस में पढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने पड़ता है, तो इस टाइम एग्जिस्टिंग बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, नए बिजनेस बाद में आएंगे. डिफेंस में आपका प्ले है, आपको लगता है विद द स्लो पेस ऑफ ऑर्डर इन ऑफ टेक आप वहाँ पर इतना फोकस नहीं करेंगे, विल यू रिट्रैक्ट? नो, नॉट रिट्रैक्ट, बट एम्फोसिस थोड़ा कम होगा, लेकिन हमारा एक जो प्ले है उसमें बड़ा प्रोग्रेस हुआ है रिसेंटली, वो है स्पेस, ये इस चंद्रयान मिशन में हमारा काफ़ी इक्विपमेंट वापरा गया है. अच्छा, दैट्स वंडरफुल सर.
तो ऑफ कोर्स वो एक एरिया है, बट जनरली डिफेंस से आप ज्यादा उम्मीद रखते हैं स्पेस से फॉर द ओवरऑल ग्रुप्स ग्रोथ लॉन्ग टर्म में? यस, बट नॉट इमीडिएटली इन द शॉर्ट टर्म. सर बड़े बिजनेसेस आल्सो गेट इनटू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, क्या आपको लगता है आपको एक बैंक लाइसेंस लेना चाहिए, कुछ इस बिजनेस में आना है? बिकॉज इस वक्त प्रॉब्लम वही है कि लेंडिंग नहीं हो पा रही है, इज दैट एन अपॉर्चुनिटी? देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस में हमको एंटर करना चाहिए या नहीं, हम वो देख रहे हैं. और वो अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी बढ़ रहा है जी. तो हाउसिंग फाइनेंस में, जनरल बैंकिंग में नहीं. ओके, हाउसिंग फाइनेंस वेरी पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइंड स्पेशलाइज्ड बैंकिंग में. ओके, कब तक सर उस पर आप डिसीजन लेंगे और क्या एग्जैक्ट प्लान होगा उसमें? बहुत टाइम नहीं लगेगा. ओके, बट जो अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनसे कम्पीट करना थोड़ा टफ होगा? और डिमांड भी अभी ऑफटेक नहीं हो रही है, हमारे कस्टमर्स का भी डिमांड रहेगा. अच्छा, सो यू विल गेट योर इन हाउस? हमारा काफी इन हाउस बिजनेस रहेगा. ओके, इसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है सर? नहीं, खास नहीं. ओके, तो एक वो एरिया है जो आप देखेंगे मे बी. ऑल्सो अगर मैं ओवरऑल आपके सारे बिजनेसेस पे जो मैंने बात की, बट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट जैसे आपने बोला, क्या आप ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं? विल इट बी अ डबल डिजिट और यू थिंक इट्स अ टॉल ऑर्डर? हाँ, रियल एस्टेट में तो आपको डबल डिजिट ग्रोथ लास्ट ईयर भी हिस्टोरिकली हाईएस्ट. एग्जैक्टली, इसलिए डबल डिजिट से काफी ज्यादा रहेगा. ज्यादा रहेगा. एंड अभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स कितनी बेट करेंगे सर? हमने अभी पब्लिक से 2000 करोड़ से ज्यादा रेज किया है QIP करके जी. तो एक्सपेंशन ये कहाँ कहाँ आप एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं सर? विच एरियाज विल यू बी लुकिंग? मेनली लार्ज सिटीज. हाँ, आपका वो फोकस क्लियर है? फोकस रहेगा जी. प्रॉब्लम है बिग सिटीज का कि जगह इज ऑलवेज अ कंसर्न, वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और इतना स्पेस नहीं मिल रहा है. सो यू थिंक देयर इज अ अपॉर्चुनिटी की सेकंड टियर टू सिटीज इफ नॉट मेट्रो? व्हाई, डिमांड ज्यादा है ना, वो छोटे टाउन में डिमांड भी कम है. कम है एंड आपका मार्जिन्स भी उस हिसाब से बेटर है. ओवरऑल ग्रुप के लिए यू आर ऑप्टिमिस्टिक सर ऑफ FY20? पिछले साल से इस साल बेहतर होगा? वेरी ऑप्टिमिस्टिक. हम फॉर द फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं जी. और इस साल का आउटलुक कैसा रहेगा सर? इस साल का अब इम्प्रूव होगा, मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द ईयर इम्प्रूव होगा क्योंकि आई एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू डू अ लॉट. वेल, वी आर ऑल होपिंग दैट द गवर्नमेंट डज समथिंग. कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. राइट, थैंक यू मिस्टर गोदरेज. थैंक यू, गुड टॉकिंग टू यू. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.